सोए जा रहे हो, सोए जा रहे हो, सोए जा रहे हो। बढ़ जाइए उसपे। अच्छा, कितना आ रहा है माइलेज? 24.1। चाय बढ़िया रही थी नंबर। स्लाइडिंग हुई आ गए। हाँ जी, हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग 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 ब्रेक हम यूट्यूब पे फाइनली वापस आ गए हैं। कहाँ क्या गायब था एंड ऑल, वो मैं एक कभी विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं ऑफिस से वापस आ रहा हूँ, तो अभी ये जो व्लॉग है ये एक चीज को डेडिकेटेड है। ये बहुत जल्दी में इंट्रोडक्शन हो रहा है। द रीजन बिंग इज दैट हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो जो ट्रिप है वो 11 दिन की ट्रिप है। तो जो पहला स्टॉप है इस ट्रिप का वो मनाली में लगेगा। तो मनाली के लिए जो हमारी ट्रिप है वो आज रात से स्टार्ट हो जाएगी। आज रात हम अराउंड 11 या 12 के आसपास निकलेंगे रात में, तो सुबह पहुंचेंगे मनाली। तो व्लॉग में आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कहाँ एग्जैक्टली हमें जाना है और ये क्या ट्रिप की प्लानिंग है। अभी घर चलते हैं। कल हमने पूरा पैकिंग करा, सब कुछ किया, तो उसकी हमने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, तो जाके पहले वो देखो। घर पहुंचते हैं, घर जाके फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर ट्रिप ले निकलेंगे। पर हाँ, एक चीज़ है कि मैंने व्लॉगिंग बड़ी मिस करी यार, मतलब बड़ी मिस करी। बीच में मैंने इंस्टा पे भी एक दो रील्स डालता रहा था, लेकिन मिस बड़ी करी मैंने। दिस इज होल मिस जो हमें बैग में डालना है। ये पूरा एक बैग तैयार हो गया, बाकी मेरा बैग पूरा फुल हो गया, बाकी सारे बैग्स हो गए हैं पैक। अब जो चीज है वो मेन चीज सारी हो गई है, जो छोटी मोटी चीज है वो रह रहे हैं। वो हम एक बार जाने से पहले एक घंटा लगा के वो पैक कर लेंगे, बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। मैंने सोचा कि सॉक्स रख लेते हैं। ये सॉक्स खोला, तीन छेद रखे हैं इसमें, बताओ यार पैर है क्या है। The next day. We all set for a trip. ये मेरा बैग है, बाकी इतना सारा सामान हो गया ना यार, मैं पता नहीं भाई, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा है। बट एनीवेज, आज रात हम लोग ड्राइव करेंगे। अभी पापा और प्रियांशु तो दिन में थोड़ा सो गए थे, मैं नहीं सो पाया था, मैं थोड़ा सोऊंगा, उसके बाद फिर रात में पापा चलाएंगे। सुबह ऐसा हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है कि ड्राइव मैं करके लेके जाऊंगा, क्योंकि ड्राइवर अभी दो ही हैं, पापा और मैं, चलाने के लिए लंबा सफ़र है। पर पंचर किट है ना उसके अंदर, पंचर किट है, ठीक है। ये ट्रिप पे ट्रिप तो रहेगी, पर मैं वाहू को बहुत मिस करता हूँ वाहू को। बाय। नहीं सोऊंगा। यस, बाय, जय माता की, बाय बाय। हमारे भी जो ड्राइव है वो 12 घंटे की ड्राइव है पूरी, यहाँ से 585 किलोमीटर है, और सुबह 12:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे। अभी कंटिन्यू ड्राइव करेंगे, बीच में हम ब्रेक लेंगे, ये पापा चला रहे हैं उसका, मैं अभी थोड़ा सो जाऊँगा, उसका मैं फिर ड्राइव करूँगा। रात में हम लोग निकले हैं, पहले हम प्लानिंग कर रहे थे सुबह निकलने की, बट फिर वो था कि जो पहाड़ी रास्ता है वो हमें दिन में कवर करना था, तो इसलिए रात में निकल रहे हैं। कितने घंटे सोए थे प्रियांशु आज? सोए नहीं। आप कितने घंटे सोए? उठा था 5 बजे, 8 बजे शाम को 1 घंटे के लिए लेट गया। हाँ, क्योंकि मेरा पूरा नींद आया, तो बाबू ने सुबह उठा दिया 5 बजे। फिर लास्ट डे था, क्लोजिंग चल रहा था, तो पूरे दिन काम करते रहे। एक जगह जाना था एक कस्टमर के पास, वहाँ मीटिंग करके आए, और फिर 9 बजे से लेके 10 बजे तक मैं लेटा रहा, सोया नहीं, नींद आई नहीं, बट 1 घंटे का रेस्ट लिया। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जैसे इंटेंशनली होता है ना कि मैं 1 घंटे का मान लो रेस्ट ले लेता हूँ, उस टाइम पे रेस्ट होता ही नहीं है, नींद आती नहीं है उस टाइम पे, नहीं आएगी, है ना। हम लोग एक बार पहले भी मनाली गए थे, तो उस टाइम खाली मनाली गए थे, उसके आगे नहीं गए थे, तो उसे अब उस तब हम कितने बजे घर से निकले थे उस दिन? 8, रात में 8 बजे। और पहुंचे कितने बजे थे? सुबह पहुंचे थे 9-10 बजे के आसपास। 10 बजे ना, 10 बजे के आसपास पहुंचे थे।
कोविड के बाद ही तो फर्स्ट पहले कोविड से पहले फर्स्ट वेव से पहले फर्स्ट वेव से पहले गए थे हम पहले यस फर्स्ट और सेकंड जनवरी वी वर इन मनाली न्यू ईयर वही मनाली न्यू ईयर हमारी जो मेन इंटेंशन है वो मनाली नहीं है मनाली से आगे की है तो मैं बताया था फाइनली हम लोग लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो जो मनाली है डायरेक्ट ड्राइविंग नहीं करेंगे पीछे जब हम ब्रेक लेंगे जो डिटेल है वो मनाली पहुंच के मैं बताऊंगा बट अभी जो है अभी मनाली जाएंगे वहाँ होटल है वहाँ पर रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर हम सरचू जाएंगे ना अगला सरचू यस सरचू नेक्स्ट होगा उसके बाद फिर ले होगा बज रहे हैं 3:30 बदबू सी आ रही है ना ये तो बैड टेस्ट हो गया था पापा और मैं जगे मतलब मैंने भी झपकी मार ही ली थी थोड़ी बहुत अभी रुके हैं चाय पीने पता नहीं नाला सा बह रहा है इधर चाय बनाने के लिए नाले में से पानी निकाल के उसी की चाय बना लेते हैं पंजाब में एंट्री करी ना हमने अभी कौन सा एरिया है शंभुबेरी बता दो तुम आलोक चाय बढ़िया रही थी नंबर चलो बाय ऊपर की तरफ ये दिल्ली अमृतसर हाईवे इसी इधर जाता है अमृतसर हम हाईवे के नीचे से आके इधर से फिर कंटिन्यू करेंगे सीधा मनाली की तरफ तो सुबह के 6 बजने वाले मैं 4 बजे ड्राइव कर रहा हूँ अभी जो हमारी ये है वो 6.5 घंटे और हमें ड्राइव करनी है उसके बाद हम मनाली पहुंच जाएंगे 223 किलोमीटर्स अभी लेफ्ट आउट है पापा भी सो रहे हैं मैंने कभी भी इतनी लंबी ड्राइव नहीं करी और पहाड़ों में तो स्पेशली नहीं करी ये फर्स्ट टाइम है कितना लेना 40 लो टिल नाउ अवर प्लान इज 100% सक्सेसफुल बिकॉज हमने रात में वी हैव यू नो ड्राइव इन नाइट बिकॉज हमारे को ये जो रास्ता अभी चल रहा है इन नाइट इट इज डेंजरस सो सुबह के बज रहे 8 हम लोग रुके हैं यहाँ पे बिलासपुर में पीछे कैफे में हमने गाड़ी रोकी है थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे फिर करेंगे स्टार्ट जर्नी जो डिस्टेंस है होटल का वो कुछ अराउंड अभी 160 किलोमीटर समथिंग बचा है सो फार सो गुड अभी तक कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आई है सोते आराम करते मज़े मारते फारते हम लोग आए फिर ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट है पराठे ऑर्डर किए हैं दही पराठे ये आलू प्याज का पराठा है वो पनीर का है ये पापड़ तीखा वाला पराठा है यहाँ पे वो थोड़ा अभी काम कर रहे हैं हम लोग अभी मंडी बाईपास पे हैं 100 किलोमीटर और बचा है 3 घंटे की और ड्राइव है बट यहाँ पीछे एक बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है 12 मिनट का मतलब अभी मैं तो सो रहा था तो मैंने 12 मिनट का देखा बाकी लोगों ने बहुत क्रॉस कर दिया है भैया ये रास्ता मनाली की तरफ ही है ना सीधा ये कितना लंबा जाम है अभी और स्लाइडिंग हुई है काफी लंबा जाम है स्लाइडिंग हुई आ गए ये जमरात का लगा हुआ है बहुत बढ़िया वेरी गुड खड़े रहो 3 से 4 घंटे लगेंगे ये कह रहे ये जो जाम है ना ये रात का लगा हुआ है और ये आगे कहीं स्लाइडिंग हुई है तो उसको साफ कर रहे हैं ऐसा कुछ चल रहा है काम चल रहा है खुलेगा नहीं खुलेगा खुलेगा तो लेट्स सी क्या होता है रोड ट्रिप में यही होता है स्लाइडिंग की वजह से रास्ता जो वो बंद हो गया पीछे की तरफ से ही रास्ते वहाँ से निकल रहे हैं वो थोड़ा 30 किलोमीटर दूर था यहाँ से निकल सकते हैं मनाली मनाली जाना मनाली जाओ आप आगे होना हमको ये 2 किलोमीटर आगे ड्यूली है बिल्कुल ड्यूली से होना आपने टर्न चौक है राइट टर्न करना अच्छा 2 किलोमीटर आगे जाके ब्रिज जाके चौक है वहाँ अभी ब्रिज से आगे होना क्रॉस आपने फिर आगे जाके 2 किलोमीटर राइट टर्न है IIT कमांड रोड बहुत बढ़िया रोड है और ये तो सारा दिन जाम नहीं है
वहाँ से आप निकल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। क्या हो गया भाई? बैक कर के साइड क्या हुआ? साइड में दर्द नहीं पड़ेगी। ओए साला कितना सो गए वे? तुम सोए जा रहे हो, सोए जा रहे हो, सोए जा रहे हो। कौन सा काम ही हुआ है बे? उठ जाओ भाई, 96 किलोमीटर रह गया है बस। अरे दो डिजिट में आ गया, दो डिजिट में आ गया है डिस्टेंस दो। उठ जाओ भाई, होटल में नींद नहीं आएगा फिर हमको। मुझे उधर मारेंगे। किसको मारना है? ये जो रास्ता ना, ये वाला पराशर लिंक जा रहा है नीचे से। दो रास्ते नीचे, दो रास्ते बट रहे थे, एक कुल्लू के लिए एक पराशर लेक के लिए। तो पराशर लेक नीचे था, पर हमने सोचा था हम वो कवर करेंगे, बट कोई नहीं। वो थोड़ा 3 किलोमीटर डाउन, 23 किलोमीटर नीचे की तरफ था, लेकिन फिर हमें कुल्लू की तरफ जाना था, मनाली की तरफ जाना था, तो फिर वो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। और मोस्टली लोगों को ये जो रास्ता है ना, ये पता ही नहीं है कि यहाँ से भी ये रास्ता है। वो अभी भी ना आधे ज्यादा वो ट्रैफिक में फंसे होंगे। आधे ज्यादा नहीं, सारे वहीं फंसे हैं भाई। वो पुलिस वाले भाई साहब नहीं बोल रहे थे कि ये तो पूरे दिन का है, ये पूरे दिन का है। वो कल रात से फंसा हुआ ट्रैफिक है, वो देखे ना लाइन लगी हुई थी कितनी लंबी। हमारा होटल यहाँ से अभी कुछ किलोमीटर ही दूर है, मनाली में हम लोग पहुँच गए। ये पीछे ब्यास नदी है, यहाँ पे जा रहे हैं नीचे। अभी रास्ता है तो ये रहना यहाँ से। बैठ जाइए उस पर। अच्छा, 100 रुपये दूंगा कांटे वाले। मुझे 1 लाख मिलेगा तब नहीं बैठूंगा। अरे एक बार बैठ जा। 11 मिनट, 6.4 किलोमीटर। मतलब हम रात में 12 बजे चले थे, करेक्ट। सो 12, 13, 14 15 घंटे है, 15.5 घंटे, 15.5 घंटे की ड्राइविंग हो गई। होटल तो हम आ गए हैं, जिस बुकिंग कन्फर्म करने जा रहा हूँ कि दो रूम है हमारे बुक्ड। ये वाला पापा प्रियांशु का कमरा है, पूरा एक है यहाँ पे, और एक इधर एक बालकनी टाइप है वो छोटी सी। उसके बाद पूरा बेड है, अंदर यहाँ पे बाथरूम है, और इसके जस्ट सामने ही ये वाला मेरा वाला रूम है। ये जो पूरी लेह लद्दाख की सीरीज है, ये एपिसोड वाइज आएगी। तो ये था आज का डे वन। आज के दिन में हमने नोएडा से मनाली ट्रैवल किया, ड्राइव की, तो 14-14.5 घंटे की पूरी ड्राइव थी। एक जो चीज़ कंसर्न करने वाली है वो ये है कि मंडी से मनाली का जो रास्ता है वो थोड़ा ख़राब रहता है, उस वायलेंट ट्रैफिक लगता रहता है। तो एक ऑल्टरनेटिव वे है कि आप मंडी के अंदर से आ सकते हो, जहाँ से IIT मंडी और खटोला की तरफ से आप वो रास्ता चूज कर सकते हो। वो जो रास्ता है वो पूरा पहाड़ी रास्ता है। आगे थोड़ा आगे चलोगे उसमें तो रोड भी छोटी हो जाती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें, वो कुछ लाइन वगैरह डाल रहे हैं। बट एनीवेज, उस रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलता, वो डायरेक्ट है और वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। आज का दिन ही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। सुबह हमें जाना है सरजू, तो सुबह जल्दी हमें उठना पड़ेगा, 6-7 बजे के आसपास। सो कल का दिन कल दिखाएंगे। धन्यवाद व्लॉग देखने के लिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा सो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो को शेयर करना अगर करना चाहते हो तो। बाय बाय, आई विल मीट यू ऑल सुपर सून।